दोस्तों मोटोरोला बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है मोटोरोला G72 4G फोन को। ये फोन 4G के साथ आएगा। ये काफ़ी अच्छा बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला है। यह फोन लॉन्च होने वाला है इंडिया में 8 अक्टूबर को। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यह फोन का फुल स्पेसिफिकेशन डिटेल्स का बारे में। यह फोन में क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा और किस प्राइस के साथ ये फोन लॉन्च होने वाला है। अगर आप मोटोरोला G72 4G फोन का बारे में पूरा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बना रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमीरुद्दीन और आपका स्वागत है टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा मोटोरोला G72 फोन में। तो पहले इसके डिस्प्ले से शुरू करते हैं। इसमें जो डिस्प्ले साइज होने वाला है 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस PoLED डिस्प्ले दिया जाएगा। इसमें नॉच देखने को नहीं मिलेगा, छोटा सा एक पांचोल होने वाला है। एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो दिया जाएगा। स्क्रीन टू व्हाइट रेशियो का बात करें तो 92% स्क्रीन टू व्हाइट रेशियो मिल जाएगा। और इसमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने वाला है। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा बढ़िया डिस्प्ले होने वाला है। डिस्प्ले में यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। ये फोन का कैमरा का बात करें तो ये फोन में कैमरा भी काफ़ी बढ़िया कैमरा होने वाला है। जो प्राइमरी सेंसर होगा 108 मेगापिक्सल का F1.8 अपर्चर के साथ में दिया जाएगा। और जो सेकेंडरी कैमरा होगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल दिया जाएगा। जो टाट कैमरा होगा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया जाएगा। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा होने वाला है। ये फोन का सेल्फी कैमरा का बात करें तो ये फोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। यह 5x सेल्फी कैमरा होने वाला है। तो काफी अच्छा बढ़िया कैमरा भी होने वाला है। कैमरा में भी अभी कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। और ये फोन का परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो ये फोन में MediaTek का नया लेटेस्ट प्रोसेसर दिया जाएगा। MediaTek Helio J99 Octocore प्रोसेसर दिया जाएगा। ये काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। इसका क्लॉक स्पीड है 2.2 GHz क्लॉक स्पीड चलता है। GPU का बात करें तो मान लीजिए 57 MC2 GPU मिल जाता है। ये 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर पर आधारित है। ये फोन का वारंट का बात करें तो ये फोन 3 वारंट पर आएगा। जो बेस्ट वारंट होगा 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा। जो मिड वारंट होगा 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा। जो हायर वारंट होगा 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा। ये फोन में मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल नहीं कर सकते, इसे लिक्स के थ्रू पता चल रहा है। ये फोन का बैटरी का बात करें तो इस फोन में 5000 mAh का बैटरी दिया जाएगा। और फास्ट चार्जिंग का बात करें तो 33 वाट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा। ये फोन में USB Type-C 2.0 दिया जाएगा। ब्लूटूथ वर्जन का बात करें तो 5.2 ब्लूटूथ वर्जन मिल जाएगा। 3.5 mm ODI जैक भी दिया जाएगा। ये फोन का सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो ये फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा। डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा और इसमें फेस अनलॉक भी मिलने वाला है। ये फोन का बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन का बात करें तो ये फोन में काफ़ी अच्छा बढ़िया शाइनी डिज़ाइन दिया जाएगा। काफ़ी अच्छा बढ़िया शाइनी डिज़ाइन के साथ आएगा। तो डिज़ाइन में भी ये पे कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन होने वाला है। ग्लासिक फिनिशिंग बैक मिल जाएगा। ये फोन का सिम सपोर्ट का बात करें तो ये फोन में डुअल 4G सिम वोल्टेज मिल जाएगा। 2 4G सिम एक ही साथ में यूज़ कर सकते हैं। इसमें 5G सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। अगर आपको एक 4G फ़ोन चाहिए अंडर 15,000 में तो आप ये फ़ोन के लिए वेट कर सकते हैं। ये फ़ोन में काफ़ी अच्छा बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ ये फ़ोन आएगा और बढ़िया कैमरा भी होने वाला है। ये फ़ोन का प्राइस का बात करें तो ये फ़ोन का प्राइस अभी भी ऑफिशियली कन्फर्म पता नहीं चला क्योंकि ये फ़ोन लॉन्च नहीं हुआ है। 8 अक्टूबर को ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है इंडिया में। तो लॉन्च होने के बाद ही इसका कन्फर्म प्राइस बता सकते हैं। तो अभी मैं एक्सपेक्टेड प्राइस बता रहा हूँ। हो सकता है इस प्राइस पर आ जाए या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम प्राइस पर भी आ सकता है। इसका जो बेस्ट वारंट होगा 4GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा। इसे लिक्स के थ्रू पता चला ये फोन का प्राइस होने वाला है 14,999 रुपीज़ होगा। और जो मिड वारंट होगा 6GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा। ये फोन का प्राइस होने वाला है 16,999 रुपीज़ पर आएगा। जो हायर वारंट होगा 8GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा। ये फोन का प्राइस होने वाला है 18,999 रुपीज़ पर आएगा। इसे लिक्स के थ्रू पता चला है तो थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 20,000 तक जाएगा। इससे ज़्यादा प्राइस नहीं होने वाला। तो अंडर 20,000 में ये फ़ोन आने वाला है। काफ़ी अच्छा बढ़िया स्पेसिफिकेशन ये फ़ोन में दिया गया। जो प्राइस मैं बताऊँ अगर वही सेम प्राइस पर और सेम स्पेसिफिकेशन के साथ ये फ़ोन आया तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा बढ़िया रहेगा। आपको ये फ़ोन कैसे लगा, क्या आप लोग ये फ़ोन के लिए वेट कर रहे हैं, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए और हो सके तो अपना ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
साइट पर जो बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालूंगा आप लोग को ऐसे ही मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो का मैं खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।